नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी। न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के बनने से पहले आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। बसंत पंचमी व सरस्वती पूजा को लेकर राज्यपाल राजेंद्र आलेकर और सीएम नीतीश ने दी बधाई। नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन किया स्थगित। बिहार सरकार गांवों के विकास के तहत सड़क पुल और स्ट्रीट लाइट की कर रही व्यवस्था। किसान परिवार से आने वाले सिद्दीकी जेई मेन में बने बिहार स्टेट टॉपर। स्मृति मंधाना ने आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में आई चौथे स्थान पर। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बसंत पंचमी व सरस्वती पूजा को लेकर राज्यपाल राजेंद्र आलेकर और सीएम नीतीश ने दी बधाई। आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर बिहार राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और सीएम नीतीश कुमार ने देश और प्रदेश वासियों को इसकी शुभकामनाएं दी हैं। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर राज्यपाल ने कहा है कि ऋतुराज बसंत के आगमन से प्रकृति का कण कण खिल उठता है। इस अवसर पर हम ज्ञान, कला और विवेक की देवी माँ सरस्वती की पूजा और आराधना करते हैं। बसंत पंचमी लोगों के जीवन में नवोल्लास लेकर आया और उनमें नई चेतना और ऊर्जा का संचार हो, देश और राज्य समृद्धि के पथ पर निरंतर अग्रसर रहे। वहीं सीएम नीतीश ने कहा कि सभी पारस्परिक सौहार्द के साथ वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा मनाएं। वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा का यह पर्व सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाए। बिहार पुलिस में जल्द बड़ी संख्या में निकलेगी बहाली। गृह विभाग का स्थापना बजट बिहार पुलिस में होने वाली नई बहालियों के कारण लगभग 2000 करोड़ तक बढ़ चुका है। इसके साथ ही करीब 40 करोड़ की कटौती योजना मद में की गई है। इस बार के बजट में पुलिस प्रशासन में सुधार और व्यवस्था को पहले से बेहतर बनाने के लिए कई कार्य किए गए हैं, जिनमें नई पुलिस बहाली, डायल 112 सेवा का ग्रामीण इलाकों में विस्तार, नए पुलिस भवन का निर्माण, पुलिस को नए उपकरण उपलब्ध करवाने आदि काम शामिल है। आपको बता दें कि 766 करोड़ रुपए डायल 112 के दूसरे चरण पर खर्च होंगे। साथ ही पुलिस बलों की संख्या बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में बढ़ाई जाएंगी। नियोजित शिक्षकों ने आंदोलन किया स्थगित। मंगलवार शाम तक बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आश्वासन के बाद नियोजित शिक्षकों द्वारा आंदोलन स्थगित कर दिया गया। इन नियोजित शिक्षकों का प्रतिनिधित्व आनंद कौशल कर रहे थे। आनंद कौशल ने कहा कि 15 फरवरी को उपमुख्यमंत्री के साथ वार्ता होगी। 11 सदस्यीय शिष्टमंडल इसमें वार्ता करने वाले हैं। उपमुख्यमंत्री के ऊपर शिक्षकों ने भरोसा जताया है। डिप्टी सीएम ने भरोसा दिया है कि बिहार में किसी भी नियोजित शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में रखी गई शर्तों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। किसान परिवार से आने वाले सिद्दीकी जेई मेन में बने बिहार स्टेट टॉपर। जेई मेन के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए होने वाले इस प्रवेश परीक्षा में कुल 23 बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने पूरे 100 नंबर हासिल किए हैं। इनमें से बिहार के अबू बकर सिद्दीकी भी हैं, जो स्टेट टॉपर बने हैं। इन्होंने इस परीक्षा में 99.99% हासिल किया है। ये अपना संबंध बिहार के किशनगंज के एक किसान परिवार से रखते हैं। गाँव में ही रहकर सिद्दीकी ने अपनी पढ़ाई पूरी की है। हालांकि बिहार से 8000 बच्चे ऐसे जिन्होंने 90% हासिल किया है। हालांकि सिद्दीकी स्टेट टॉपर बने हैं। इन्होंने 99.99% लाकर सफलता पाई है। जिन बच्चों को पूरे 100 अंक आए हैं, उनमें बिहार के एक भी बच्चे इस बार शामिल नहीं हो पाए। इन बच्चों में सबसे अधिक संख्या तेलंगाना के बच्चों की है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा के कैमूर रैली में राजद और लेफ्ट को मिला न्योता। बिहार के औरंगाबाद में 15 फरवरी और कैमूर में 16 फरवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रैली होने वाली है। इसमें कांग्रेस की तरफ से राजद के साथ साथ लेफ्ट को भी न्योता दिया गया है। इस न्योते के बाद अब कैमूर की जनसभा में राजद से तेजस्वी यादव भी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार टूटने के बाद तेजस्वी की यह पहली जनसभा होने वाली है। आपको बता दें कि गुरुवार को औरंगाबाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। यहां सभास्थल गांधी मैदान में वे सीधे हेलीकॉप्टर से पहुंचने वाले हैं। सभास्थल पर 1 बजे से सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सासाराम जाने का प्रोग्राम तय है। फिर कैमूर जिले के दुर्गावती में 16 फरवरी को राहुल गांधी के जनसभा का कार्यक्रम तय है। पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों को पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि। आज के दिन साल 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें कई जवान शहीद हो गए थे। इन शहीद जवानों को याद करते हुए पीएम मोदी ने आज उन्हें श्रद्धांजलि दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए कहा है कि पुलवामा में शहीद हुए बहादुर जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। देश के लिए उनकी सेवा और बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। आपको बता दें कि सीआरपीएफ के 40 जवान पाकिस्तान की तरफ से पुलवामा में किए गए आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। सीआरपीएफ की जा रही एक बस को एक आत्मघाती हमलावर विस्फोटकों से लदे वाहन ने टक्कर मार दी थी।
राज्यसभा के लिए जदयू की तरफ से संजय कुमार झा का हुआ नॉमिनेशन। राज्यसभा चुनाव के लिए सीएम नीतीश के करीबी रहे पूर्व मंत्री संजय कुमार झा का नॉमिनेशन हुआ है। बता दें कि 27 फरवरी को बिहार में राज्यसभा के 6 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। नॉमिनेशन का अंतिम दिन 15 फरवरी है। जदयू कोटे से राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह और अनिल हेगड़े थे। अब इनका कार्यकाल पूरा होने वाला है। विधायकों की संख्या बल को देखते हुए जदयू को एक सीट ही राज्यसभा में मिलने वाली है। इस एक सीट में जदयू संजय झा को राज्यसभा भेज रही है। संजय झा इससे पहले बिहार के जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री रह चुके हैं। इनके नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और भी कई नेता मौजूद देखे। वहीं इस बार बीजेपी की तरफ से भीम सिंह और धर्मशीला गुप्ता को मौका मिला है। इन 6 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव में भाजपा के पास 2, राजद के पास 2, जदयू के पास 1 और कांग्रेस के पास 1 सीट जाएगी। कांग्रेस की तरफ से अखिलेश सिंह ने नामांकन किया है। बैलगाड़ी से शराब तस्करी मामला आया सामने। एक बार फिर से शराब तस्करी का नया मामला सामने आया है। दरअसल बिहार के गोपालगंज जादवपुर थाना क्षेत्र में ये शराब तस्कर बैलगाड़ी से तस्करी को अंजाम दे रहे थे, लेकिन इन तस्करों ने देखा कि पुलिस आगे जांच कर रही तो ये बैलगाड़ी को छोड़कर मौके पर ही फरार हो गए। ऐसे में उत्पाद विभाग को शक हुआ, उन्होंने इसकी जांच शुरू कर दी। तलाशी के दौरान 5 लाख रुपए तक का शराब इस बैलगाड़ी पर लदा सामने आया है। इस बैलगाड़ी को पुलिस जैसे तैसे लेकर थाने पहुंची। इस मामले में तस्करों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। मामले को लेकर उत्पाद अधीक्षक अमृतेश झा द्वारा बताया गया है। उत्पाद पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यूपी से बिहार के लिए गंडक नदी के बांध के रास्ते भारी मात्रा में शराब तस्करी की जा रही है। इसी के आधार पर पुलिस छापेमारी कर रही। सीएम नीतीश के दावे पर प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया। बीते मंगलवार को सदन में सीएम नीतीश द्वारा कहा गया था कि 2025 के चुनाव में एनडीए को 200 से भी अधिक सीटों पर जीत मिलेगी, साथ ही लोकसभा चुनाव में 40 के 40 सीटों पर भी जीत हासिल करेंगे। अब सीएम नीतीश के इस दावे पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि आप लिखकर रखिए कि नीतीश कुमार अब चाहे जिस गठबंधन में लड़े, अगली बार विधानसभा चुनाव में जदयू के 20 विधायक भी नहीं आएंगे। अगर आएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। आगे उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जनता ने नीतीश को वोट किया, लेकिन ये आदमी बार बार पलटा है। आज बिहार की जनता खुद को असहाय महसूस कर रही है और नीतीश खुद को चतुर समझ रहे हैं। बिहार सरकार गांवों के विकास के तहत सड़क, पुल और स्ट्रीट लाइट की कर रही व्यवस्था। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में बिहार सरकार ने गांवों के विकास को प्राथमिकता पर रखा है, ताकि गांवों से संपर्क सुलभ करवाई जा सके। इसी कड़ी में 5,700 किलोमीटर तक नए रोड अगले वित्तीय वर्ष में गांवों के अंदर सड़क संपर्कता बढ़ाने के लिए बनाए जाने की योजना है। साथ ही अगले साल 10,000 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण सड़कों की मरम्मत करवाने की तैयारी है। यह कार्य मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत किया जाने वाला है। साथ ही बड़ी संख्या में पुल के निर्माण की भी तैयारी है। इसके अलावा बड़ी संख्या में सोलर स्ट्रीट लाइट को गांवों की गलियों और चौराहे पर लगाए जाने की बात भी सामने आई है। वहीं अगले वित्तीय वर्ष में 1,77,00,000 पौधे मनरेगा के तहत लगाए जाने वाले हैं, ताकि हरियाली के साथ साथ रोजगार भी बढ़ सके। सीएम नीतीश ने दरभंगा के शोभन में ही एम्स निर्माण की दोहराई मांग। सीएम नीतीश महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद अभी भी बिहार के दूसरे एम्स को दरभंगा के शोभन में ही निर्माण के फैसले पर अड़े हैं। दरअसल एम्स निर्माण के संबंध में पटना में सीएम नीतीश से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने मुलाकात भी की, जहां सीएम नीतीश ने अपने इस मांग को फिर से दोहराया। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा बिहार में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दरभंगा एम्स के लिए प्रस्तावित जमीन का निरीक्षण किया। उन्होंने नीतीश कुमार के इस मांग को लेकर कहा कि वे दिल्ली में तकनीकी विशेषज्ञों और अन्य अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने पहुंचे अखिलेश ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह पार्टी के तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकित हुए हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस के हिस्से में इस बार राज्यसभा की 10 सीटें आए, जिनमें कर्नाटक से 3, तेलंगाना से 2, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से 1-1 सीट आने की संभावना है। कांग्रेस की तरफ से बिहार विधानसभा में जब अखिलेश सिंह अपने नामांकन के लिए पहुंचे तो इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर खूब तंज कसा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पलटी मारकर एनडीए में चले गए हैं, तो इससे हमारे गठबंधन को किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग पहले से ही एकजुट हैं और आगे भी मजबूती से रहेंगे। आगे उन्होंने कहा कि नीतीश के पास कुछ बचा कहां था जो उनके जाने या आने से हमें कुछ फर्क पड़े। राज्यसभा लिस्ट में सुशील मोदी का नाम नहीं होने पर उनकी प्रतिक्रिया आई सामने। इस बार भाजपा ने राज्यसभा चुनाव में सुशील मोदी का नाम नहीं दिया है, लेकिन अब भाजपा के 2 उम्मीदवारों का नामांकन हो रहा था तो इस दौरान भाजपा नेता सुशील मोदी भी पहुंचे थे।
जब पार्टी की तरफ से राज्यसभा चुनाव के लिए उनका नाम लिस्ट में नहीं होने पर सवाल किया गया तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि मैं अपनी पार्टी भाजपा को धन्यवाद देता हूं कि मुझे 34 सालों तक चारों सदन के सदस्य के तौर पर रखा। बहुत कम बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे जिन्हें यह सौभाग्य मिला होगा। मैं खुद को बहुत खुशनसीब मानता हूं कि मुझ पर मेरी पार्टी ने इतना विश्वास जताया है और पार्टी आगे जो भी निर्णय मेरे बारे में लेगी उसे सहज से स्वीकार करूंगा। यार्ड रिमॉडलिंग के कारण 23 फरवरी तक नहीं चलेगी रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस। यार्ड रिमॉडलिंग और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग का काम पंडित दीनदयाल गया रेलखंड के डेहरी ऑन सोन पर स्थित पहलेजा स्टेशन से सोनगर जंक्शन तक चल रहा है। इस काम की वजह से रांची सासाराम इंटरसिटी एक्सप्रेस का संचालन 14 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक बाधित रहेगा। साथ ही कुछ ट्रेनें 15 फरवरी से 16 फरवरी के बीच बाधित रहने वाली हैं, तो कई ट्रेनों के रूट में बदलाव की खबर सामने आई है। इस मामले को लेकर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने कहा है, इस क्षेत्र में थर्ड लाइन और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के लिए काम चल रहा है, 10 से 12 दिन के लिए डिस्ट्रप्शन रहने वाला है। उन्होंने बताया कि कुछ ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, तो कुछ के रूट में बदलाव हुए हैं। स्मृति मंधाना ने आईसीसी ओडीआई रैंकिंग में आई चौथे स्थान पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना 2 पायदान ऊपर चौथे स्थान पर पहुंच चुकी हैं। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की लारा वोलवार्ट का स्थान लिया है। लारा वोलवार्ट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में खराब प्रदर्शन दिया था। इस लचर प्रदर्शन के कारण अब वे 5वें स्थान पर आ चुकी हैं। वहीं बल्लेबाज रैंकिंग में पहले 3 स्थान पर इंग्लैंड की नताली साइवर ब्रंट, श्रीलंका की चमारी अट्टापट्टू और ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी शामिल है। वहीं 10वें स्थान पर भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर का नाम शामिल है। वहीं भारतीय स्पिनर दीप्ति शर्मा गेंदबाजी रैंकिंग में 1 पायदान नीचे 4थे स्थान पर आ गई है, लेकिन ऑलराउंडर की सूची में ये 1 पायदान ऊपर गई है और ऐसे में उन्होंने 5वें स्थान पर अपना जगह बना लिया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है विनोद महात्मा, रौनक, नौसाद रजा, मोहम्मद साकिर हुसैन, सुकुमार सिंह बादल, इमरान आलम, कुलदीप कुमार, विजेंद्र सिंह, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, सादुल्ला पालवी, गोनर शर्मा, संघर्ष कुमार, पुष्पक कुमार, सुजीत करिश्मा कुमारी, उमेश ऋषिदेव, पवन सिंह, रविशंकर, प्रेम शंकरन, आलोक प्रियदर्शी। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पुलवामा अटैक में शहीद हुए जवानों की याद में आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।